और राइट गाइस, तो अभी आ चुका है बरसात का समय, और बरसात के समय में हमारे इंडिया में सड़कों पे और गलियों में काफी ज्यादा मात्रा में पानी और कीचड़ जम जाते हैं, जिसके कारण जब हम लोग शूज पहनकर बाहर निकलते हैं तो शूज के साथ साथ हमारे पांव तक भीग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस शूज को वाटर रेजिस्टेंस बनाने वाले हैं, और देखते हैं गाइस ये हमारे पांव को पानी से प्रोटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं, और साथ ही इसे हम लोग कीचड़ में भी लेकर जाने वाले हैं। इसलिए आज के इस कमाल वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इस कपड़े वाले शूज का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्लास्टिक के और चमड़े के शूज ऑलमोस्ट वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कैंडी फ्लैक्स। कैंडी फ्लैक्स को हम लोगों ने मोल्ड करके कुछ इतने बड़े शेप में दे सकते हैं, ताकि गाइस इसके ऊपर हम लोगों को घसने में सुविधा हो सके। और गाइस कैंडी फ्लैक्स में जो आप लोग चाहे तो नॉर्मल कैंडल का भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों को इसके ऊपर अच्छे तरह से घस लेना, ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा भी जगह ना छूटे, नहीं तो गाइस उस जगह से पानी अंदर जा सकता है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग अच्छे तरह से घस लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इस जूते के ऊपर एकदम अच्छे तरह से कैंडल वैक्स का कोटिंग कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जूता ब्लैक से व्हाइट हो चुका है। अब हम लोगों को इसके ऊपर हीट देना है, तो हीट देने के लिए आप लोग चाहे तो हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस गैस टॉर्च का यूज कर रहा हूँ। बट गाइस इसमें हम लोग काफी ज्यादा लो फ्लेम देंगे, नहीं तो गाइस हमारा ये जूता जल सकता है। तो चलिए इसे हम लोग जला लेते हैं। गाइस यहाँ पर आप लोगों को शायद आग न दिख रहा हो, पर गाइस इसे मैंने काफी ज्यादा लो फ्लेम में रखा हूँ, कैमरे में शायद आपको ना दिख सके। तो गाइस इसके ऊपर हम लोग हीट देते हैं, और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह कैंडल किस तरह से पिघल जा रहा है, और पिघल कर ये कपड़े के छोटे छोटे होल के अंदर जाकर घुस जा रहा है, जिसके कारण ये हमारा वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। पर गाइस एक बार इसे करने से तो ये हमारा अच्छे तरह से वर्क नहीं करेगा, तो इस सेम प्रोसेस को हम लोगों को 2 से 3 बार रिपीट करना है। और हाँ गाइस इसे बना लेने के बाद इसे आप लोग फिर से दोबारा नॉर्मल नहीं कर सकते, इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे हम लोग फिर से दोबारा कोटिंग कर लेते हैं। तो फाइनली अब हमारा ये अच्छे तरह से बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। सो गाइस इन दोनों जूतों में से मैं एक जूते को वाटर रेजिस्टेंट बनाया, ताकि गाइस मैं आप लोगों को इन दोनों जूते का साइड बाय साइड अंतर दिखा सकूं। तो सबसे पहले इन दोनों जूतों को मैं पहन लेता हूँ। और गाइस ये जूता है हमारा वाटर रेजिस्टेंट जूता, और ये जूता है हमारा नॉर्मल जूता। तो सबसे पहले हम लोग वाटर रेजिस्टेंट जूते पे पानी रखते हैं, और गाइस जैसे इसके ऊपर हम लोग पानी रख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी किस तरह से स्लिप करके नीचे गिर जा रहा है, और गाइस इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रुक रहा है। अब गाइस हम लोग इस नॉर्मल जूते के ऊपर पानी रखते हैं, और यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जैसे इस नॉर्मल जूते के ऊपर हम लोग पानी रख रहे हैं तो पानी गाइस अंदर चला जा रहा है। मुझे गाइस पाँव में भी फीलिंग हो रहा है, मैं आप लोगों को इसे अंदर से खोल करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पाँव हमारा बिल्कुल ड्राई है, जबकि नॉर्मल जूते वाला पाँव हमारा भींग चुका है। सो गाइस ये वाटर रेजिस्टेंट जूता हमारा काफी ज्यादा अच्छे तरह से वर्क कर रहा है, जबकि गाइस नॉर्मल जूता पे हम लोग पानी रख रहे हैं तो गाइस इसके अंदर पानी चला जा रहा है, और ये जूते में हमारा पानी नहीं जा रहा है। तो अब हम लोग इस जूते को भी वाटर रेजिस्टेंट बनाते हैं, उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं कीचड़ में और देखते हैं गाइस ये हमारे पाँव को कीचड़ से प्रोटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं। तो चलिए इस जूते को भी हम लोग वाटर रेजिस्टेंट बना लेते हैं। तो गाइस इस टब के अंदर हम लोगों ने कीचड़ भर चुके हैं, तो चलिए अब इस जूते को हम लोग इस कीचड़ के अंदर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जूते का कीचड़ में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कीचड़ को किस तरह से अपने से अलग कर दे रहा है, इसमें कीचड़ का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये देखने में गाइस काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और गाइस हम लोगों ने यहाँ पर दोनों जूते को वाटर रेजिस्टेंट बना चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे जूते को भी टेस्ट कर लेते हैं, देखते गाइस दूसरे जूता भी हमारा अच्छे तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे जूते में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा काफी ज्यादा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।